इसमें रहीम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए आमीन आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी जी अपनी संडे की पूरे दिन की रूटीन और आ, कितने ज़बरदस्त किस्म की आज हमारी रूटीन थी प्रोडक्टिव रूटीन है और एक दिन में कितने ढेरों ढेर काम भी मैंने किए मेरे गेस्ट भी आए मज़े मज़े के खाने भी बनाए हमने बहुत इन्जॉय किया तो मैं आज आपके साथ करूँगी सुबह उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ने के बाद संडे वाले दिन थोड़ा सा हम लोग लेट जाते हैं मैं और नवीद एक बच्चे भी ताकि आराम सुकून से बाद में नौ बजे तक लेटा जाए फिर आराम से उठ के नाश्ता बनाया जाए क्योंकि एक सैटरडे संडे का दिन होता है जब बच्चे स्कूल से फ्री होते हैं और फिर उसके बाद संडे वाले दिन मैंने अपना सबसे जो मेरा पसंदीदा ड्रेस होता है मैं अपना वो निकाल के अच्छे से तैयार होती हूँ अच्छे से ड्रेस पहनती हूँ आज तो वैसे भी मेरे गेस्ट आ रहे थे तो मैंने सोचा सुबह सुबह ही आ, ड्रेस पहन के रेडी हो जाया जाए उसके बाद बच्चों को दिया नाश्ता किसी ने खाना था फ़्राई एग किसी ने खाना था बीट हुआ हुआ जिसने जो खाना था मैंने उसको दिया और हुरेन के लिए भी मैं यहाँ पे एग बना लिया था तो उसके लिए पीस करके मैंने एग बना के जस्ट उसको थोड़ा सा एग ट्राई करती हूँ मॉर्निंग में आपने लिए मैंने सोचा कि एवोकाडो का स्पेशल सा जो है स्मूदी बनाई जाए आज अपने लिए भी टाइम निकाला जाए अपना फेवरेट नाश्ता बनाया जाए तो मैंने एवोकाडो की स्मूदी बनाई उसके लिए मैंने एक एवोकाडो लिया उसके अंदर मैं डाल दूंगी जी ब्राउन शुगर बिल्कुल हाफ चम्मच मैंने इसमें ब्राउन शुगर ऐड की थी दूध ऐड किया था इसमें तकरीबन डेढ़ से दो ग्लास और साथ इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी हनी आप जस्ट हनी भी ऐड कर सकते हैं जस्ट आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं तो मैंने दोनों थोड़ी थोड़ी ऐड कर दी थी और बस उसके बाद ही हमारी मजेदार किस्म की स्मूदी जो है ये हो गई थी रेडी स्मूदी मैंने और नताशा ने एन्जॉय करने थी था सॉरी थोड़ी सी हुरैन ने भी स्मूदी ही इन्जॉय की आपने लिए मैंने साथ एवोकाडो का सैंडविच ही बनाया था इसके साथ और बस मैंने इसके साथ एक सिंगल स्लाइस लिया था सैंडविच का और नताशा ने एक सिंगल स्लाइस लिया था साथ हम लोगों ने स्मूदी इन्जॉय की और हुन मैडम जो है उसको भी आज स्मूदी बहुत ही मज़े की लग रही थी एवोकाडो की और साथ उसको मैं ज़बरदस्ती थोड़ा सा खिला रही थी जी एग और मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते में हुन तो ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाती उसे ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मेरी कोशिश होती है कि नाश्ते में कम अज़ कम वो एक एग या हाफ़ एग जो है वो ज़रूर खा ले उसके बाद मैंने टेबल की कवर शीट्स वगैरह जो हैं ये चेंज करनी थी सबसे पहले मैंने जो नाश्ते के बर्तन थे वो सारे धो के रखे और नाश्ते के बर्तन धोने के बाद मैंने ये जो शीट्स वगैरह थी इनको चेंज किया और दूसरी शीट डाली तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि इसको प्रेस करके डाला जाए तो जल्दी से इसको प्रेस करके डाला जो बर्तन थे नाश्ते के उनको धो के मैंने रखा और साथ ही उसके बाद मैंने विद इन थर्टी मिनट्स सारे घर की सफ़ाई की मोप लगाया उसके बाद मैंने सोचा कि राइस जो है इनको भिगो के रख दिया चाहे चावल मैंने भिगो के रख दिए उसके बाद मैंने लगाया मोप और जितनी भी डस्टिंग वगैरह करनी थी जो मिरर वगैरह क्लीन करने थे वो सारे कर रही थी ने मेरी बेटी उसने कहा कि मामा जो डस्टिंग करनी है जो मिरर साफ़ करनी है ये सारा मैं कर देती हूँ और तकरीबन साढ़े दस ग्यारह बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था सारे हमारे घर की क्लीनिंग भी हो चुकी थी तो मेरी आज आ रही थी जी फ्रेंड्स वो जो उमान गई हुई थी वो हैं जी वापस और उन्होंने मेरे से मिलने आना था बच्चों से मिलने के लिए आना था तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो लंच है उसकी तैयारी की जाए तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया और बोनलेस चिकन को मैंने एक एक क्यूब्स इंच में मैंने इसको कट कर लिया था इसको मैं मैरिनेट करके थर्टी मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी उसकी मैंने मेरीनेशन जो की है उसमें मैंने डाला था ब्लैक पेपर पाउडर तकरीबन एक चम्मच भर के उसके साथ मैंने इसमें डाला जी साल्ट वो भी तकरीबन हाफ टी स्पून साल्ट ऐड किया था कोई भी हमें चिकन की चीज़ बनानी हो ना मैरिनेशन करके हाफ घंटा भी रख देना तो चिकन हमारा बहुत जूसी बनता है इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया था अच्छी दादर मिर्च वो तकरीबन मैंने इसमें हाफ चम्मच दादर मिर्च की ऐड की थी चूँकि मैंने इसके साथ वाइट राइस एग फ्राइड राइस हैं वो बनाने थे तो मैंने सोचा चिकन थोड़ा सा जो है आ, थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए इसके साथ मैंने थोड़ा सा चाट मसाला एक देसी टच देने के लिए वो ऐड किया था फ्लोर मैंने इसमें ऐड किया था जी एक चम्मच और सिरका ऐड किया था तकरीबन दो चम्मच भर के सिरके से ये होता है कि हमारा चिकन जो है बहुत टेंडर और साफ्ट जूसी बनता है सोया सॉस मैंने इसमें ऐड इस किया था एक चम्मच भर के सोया सॉस और हनी भी मैंने इसमें एक इस चम्मच इस भर के ऐड की थी ये सारी चीज़ें ऐड करके तो फिर मैंने इसमें हाफ लेमन लेके उसको कट करके उसका जूस भी ऐड कर लिया था इस तरह से आप चिकन बना के देखें देखिएगा आपका चिकन बहुत ही मज़ेदार किस्म का टेंडर और जूसी सा चिकन जो है आपका रेडी होगा ये यहाँ पे अब मैंने इसमें हनी ऐड कर ली थी तकरीबन एक से दो चम्मच और बस इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऑयल भी मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लिया था दो से तीन चम्मच और दो से तीन चम्मच जब मैं फ्राई करूँगी मैं उस ता, उस टाइम ऐड कर लूँगी थोड़ा सा ऑयल भी ऐड करके बस इसको मैंने छोड़ दिया था और हुरैन मैडम जो है ये बाहर से मुझे वेजिस ला ला के दे रही थी तो मुझे इसमें बहुत प्यार आ रहा था तो नताशा से मैंने कहा कि मुझे पे कढ़ाई मैंने रात को ही लाई थी तो मैंने वही रख दी थी तो चिकन को तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था तो मैंने इसको ऐड कर लिया जी बर्तन में और यहाँ पे चिकन कुक होगा जितनी देर में उतनी देर में हमारे जो वेजेज़ हैं वो सारी मैं कट करके रख लूँगी बेल पेपर ऐड कर रही हूँ इसमें मैं गाजर ऐड कर रही हूँ बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और जब भी मैं चाइनीज़ राइस बनाती हूँ या एग फ्राइड राइस जो भी मैं बना रही हूँ तो इसमें जो वेजेस होती है ना मेरी कोशिश होती है कि उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो और गाजरे जो हैं वो भी मैं कट करके ऐड नहीं करती हूँ मैं इसी तरह ग्रेट करके ऐड करती हूँ ताकि बच्चे जो हैं सेपरेट ना निकालें तो गाजरें जब इस तरह ग्रेट की जाती हैं ना बंद गोभी इस तरह ग्रेट की जाती है बिल्कुल एक तो बहुत ही बारीक चावलों की तरह हो जाती है दूसरी चीज़ वेजिस बच्चे भी आराम से खा लेते हैं तो शिमला मिर्चियों को मैंने कट करके रख लिया था बंद गोभी को, को भी मैंने कट कर लिया था और साथ जल्दी, जल्दी जल्दी जो है वो फिर मैंने गाजरों को भी इसी तरह ग्रेट कर लिया था तकरीबन तो तीन से चार जो है वो मैंने गाजरें इसमें ऐड की थी चाइनीज़ खाना जितनी जल्दी बनता है ना उतना ही ये बच्चों को पसंद आता है और मेरे बच्चे बिरयानी की बजाय जो है चाइनीज़ को ही पसंद करते हैं तो मैंने सोचा कि जो गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए भी आज आ, स्पेशल मैं बनाऊं और आ, और जब भी मैं ये चिकन बनाती हूँ ना थाई स्टाइल में क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा जो टच देती हूँ ना स्वीट चिली सॉस का उससे ये चिकन बहुत मजे का बनता है दो से तीन मैंने अंडे ले लिए थे इनको मैं यहाँ पे बीट करके तो मैं इनको बाहर निकालूँगी अंडों को बनाने के बाद और चिकन में साथ साथ चेक कर रही थी कि हमारा कितना जो है चिकन रेडी हो चुका है और चिकन में ऐड करने के लिए मैंने जो शिमला मिर्च है एक उसको भी मोटा सा चंक्स में काट लिया था दो से तीन प्याज हैं उनको भी मैंने मोटा सा चंक्स में काट लिया था और साथ मैंने बाहर राइस भी बॉईल करके रख लिए थे एग हमारे जब हो चुके थे फ्राई तो मैंने एग को बाहर निकाल लिया उसी के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया और थोड़ा सा मैंने इसमें गार्लिक कट क्यूब्स में कट करके ऐड किया था और इसके अंदर जाएंगे जी हमारी बेल पेपर और दो ही मेरे पास पड़ी हुई थी वही मैंने ऐड की हैं साथ फौरन ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी जी गाजरें जो मैंने चॉप की हुई थी और साथ ही जो मैंने यहाँ पे ग्रेट करके रखी हुई थी जी बंद गोभी वो भी ऐड कर दूंगी हाई फ्लेम पे इसको मैं पाँच से छः मिनट के लिए स्टिर फ्राई करूंगी कर और फिर इसमें मैं बेसिक से मसाले थोड़े से ऐड कर दूंगी जी मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर और इसके साथ मैंने इसमें ऐड किया था जी आ, स्वीट चिली सॉस वो तकरीबन इसमें मैं डालूँगी दो चम्मच भर के हॉट सॉस इसमें मैंने ऐड किया था ये जो ओस्टेड सॉस है वो इसमें ऐड कर लें हार्ट सॉस का ऐड कर लें सिरका मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन तो दो से तीन चम्मच और सोया सॉस भी मैंने ऐड किया था एक चम्मच थोड़ा सा मैंने इसमें साल्ट ऐड किया था साल्ट मैंने ज्यादा नहीं ऐड किया था क्योंकि मैंने बाद में इसमें एक चिकन क्यूब भी ऐड कर दी थी और बस उसके बाद जो राइस थे उसको मैंने ऐड करके अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था राइस को राइस मैंने तकर, तकरीबन नाइन्टी परसेंट मैंने इसमें बॉईल कर लिए थे जस्ट इसमें थोड़ी सी कसर थी वो पाँच से सात मिनट दम में हमारे राइस बहुत अच्छे रेडी हो जाने थे और मिक्स करने के बाद जो एग था वो मैंने ऊपर ऐड कर लिया था साथ मैंने जो ग्रीन अनियन है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया था और बस इसको मैंने दम पर लगा दिया था दस मिनट के लिए इसके साथ साथ मुझे रेडी करने थे जी दही बड़े और दही बड़े मैं जस्ट रेडी कर रही थी जी वो फुल्कियों वाले चने और आलू इसमें मैंने ऐड नहीं किए थे साथ वो भी मैंने रेडी करने थे चिकन का जो शार्ट चिलिक का चिकन था वो रेडी हो चुका था तो मैंने इसमें ऐड कर दी जी बेल पेपर और प्याज कट करके रखे हुए थे और उसके अंदर मैं डाल दूँगी जी कैचअप तीन से चार चम्मच दो चम्मच इसमें स्वीट चिली सॉस और हार्ट चिली सॉस एक चम्मच ऐड करके इसको मैं दो से तीन मिनट के लिए मिक्स कर लूँगी और साथ इसमें मैंने एक चिकन क्यूब लेके उसको एक गरम पानी में एक ग्लास के पानी में मैंने ओवन में गरम कर लिया था उसके मैंने यखनी सी बना ली थी इसमें मैंने वो भी एक चम गिलास भर के ऐड कर लिया था पाँच मिनट इसको मैं लगा दूंगी जी दम पे और बस हमारा चिकन आ, हो चुका था मज़ेदार किस्म का रेडी यहाँ पे मुझे रेडी करनी थी जी आलू के कटलस उसके लिए मैं कट कर रही थी धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्ची ये मेरे साथ कट कर रही थी और जब भी मैं चिकन बनाती हूँ ना इस स्टाइल में थाई स्टाइल में तो ऊपर मुझे जो सफ़ेद तिल है वो ऐड करना बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है सफ़ेद तिल ऐड करके ऊपर जो है वो ग्रीन अनियन ऐड करके मैंने इसको चूल्हे को बंद कर दिया था यहाँ पे आलू जो हैं वो हो चुके थे बॉयल उसके अंदर मैंने डाला धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें कट कर करके बारीक सी चॉप करके वो ऐड की थी धनिया पाउडर ऐड किया था ज़ीरा पाउडर ऐड किया था चाट मसाला पाउडर ऐड किया था ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैंने ऐड किया था साल्ट ऐड किया था और बस ये बेसिक बेसिक से जो मसाले हैं इनको ऐड करके थोड़ी सी मैंने क्रश रेड मिर्च भी इसमें ऐड की थी और बस फटाफट से हमारे कटलस भी मज़ेदार किस्म के हो गए थे रेडी जब भी मैं कटलस बनाती हूँ ना जस्ट अगर आलू के बना रही हूँ तो उसमें मैं सब जो ग्रीन अनियन है उसका ग्रीन पार्ट ऐड करती हूँ तो हमारे जो कटलस हैं बहुत मज़े के रेडी होते हैं कटलेस को रेडी करके रखा और साथ यहाँ पे मुझे जो दही पड़े थे उसके लिए जस्ट योगर्ट में मैंने चाट मसाला ऐड किया था साल्ट ऐड किया था और योगर्ट को अच्छे से बीट कर लिया था बड़ों को मैंने बना के पानी में भिगो के रखा था पानी मैंने इनका अच्छे से निचोड़ लिया था और बस इसके ऊपर ये जितना भी सारा दही है ये मैं इसके ऊपर ऐड कर लूँगी चने और आलू मैंने नहीं डाले थे क्योंकि नवीद ने चने और आलू नहीं खाने थे तो मैंने सोचा बेसन के जस्ट मैं बनाती हूँ तो थोड़े से वो भी ट्राई कर लेंगे और अगर मैं ये दाल के भी समाइम बनाती हूँ तो भी बच्चों को बहुत पसंद आते हैं उसके ऊपर मुझे प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके जो लंबा लंबा सा प्याज होता है ना बिल्कुल बारीक चॉप वो बहुत मज़े का लगता है डेढ़ सारा मैंने इसमें अनियन ऐड किया था टमाटर ऐड किए थे कट करके थोड़ी सी सबज़ मिर्ची मैंने एक साइड पे ऐड की थी ताकि दूसरी साइड पे बच्चों को सब्ज़ मिर्च ना लगे तो हाफ़ साइड पर मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर ली थी थोड़ी सी साइड पर मैंने बच्चों के लिए जो ग्रीन सैलड लीव्स है मैंने वो ऐड कर ली थी और बस हमारे मज़ेदार किस्म के दही पड़े जो हैं हो गए थे रेडी और बस जी फिर सर्विंग का टाइम था माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा खाना बहुत मज़े का हुआ था रेडी और दही बड़े के ऊपर जो है वो मैंने इमली की चटनी भी ऐड कर ली थी मेरी फ्रेंड्स आ चुकी थी तो हम लोगों ने बैठ के फिर खूब जो है बातें भी की मज़ेदार किस्म का खाना भी खाया यहाँ देश की ज़िंदगी है ना और घरों में ही रहना होता है बहुत कम कहीं जाना होता है ना तो मुझे तो बहुत खुशी होती है कोई मेरे घर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है एक साथ मिल बैठ के जब हम लोग खाते हैं बातें करते हैं बच्चे भी खुश हो जाते हैं अच्छा दिन गुजर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है वरना वही प्रदेश की जिंदगी वही भाग दौड़ वही बच्चों को स्कूल छोड़ना ले के आना दिन को खाना खिलाना घर के काम ये वो बस सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है पाकिस्तान की नस्बत यहाँ देश की ज़िंदगी जो है बहुत फास्ट है बहुत मेहनत करने वाली है और प्लस मैं जो हूँ आपको पता है कि होम मेड बेस पर मुझे खाना डिलीवर करना होता है तो बस इस तरह से टाइम दिन भागते भागते बस गुजर जाते हैं यहाँ बैठ के जी हम लोगों ने अपना खाना इंजॉय किया और नताशा मैडम जी कर रही थी अपनी मामा की बहुत सारी तरीफ़ें और आज तो मेरी फ्रेंड्स भी बहुत तारीफ़ें कर रही थी कि आप ही आपने चाइनीज़ बहुत ही अच्छा जो है बनाया है वो कह रही थी कि किसी रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा जो है आपने बनाया है थैंक यू सो मच उन्होंने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसकी मामा ने हमारे लिए भेजे थे जी कुछ गिफ्ट्स ओमान से और वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी थैंक यू सो मच आप ही आपने इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ कर दिया है बच्चों के लिए मेरे लिए हम सब के लिए उन्होंने ड्रेसेस भेजे थे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊँगी और फिर उनकी बेटी ने मेहंदी लगाई नताशा को और ये मेहंदी भी वो ओमान से लेके आई थी स्पेशल बहुत ही प्यारी मेहंदी थी और बहुत ही प्यारी उसने लगाई थी नताशा को उसने भी कहा कि आप ही अब मैं आपको भी लगाऊंगी मुझे भी इसने लगाई मेहंदी और फिर खूब सारी गपशप होती रही उसके बाद ही हम लोगों ने पी चाय और चाय हम लोगों ने इंजॉय की आज तो बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि घर में इतनी रौनक लगी हुई है हुरैन मैडम जी है बिल्कुल भी सोने का नाम ही नहीं ले रही थी उसने कहा कि नहीं मामा मैंने इधर आपकी गोद में बैठना है और आप लोग भी छोटी छोटी खुशियों में खुशियां ढूंढा करें कि जिंदगी है ना एक दफा मिलती है बार बार नहीं मिलती मेहंदी लगाई हम लोग गपशप लगा रहे थे तो फिर यहाँ पे ही मेरी एक फ्रेंड रहती है वो आ गई अपने बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा लगा हमने कहा चलें जी अब अब मौसम इतना अच्छा है बनाए जाएंगे जी पकोड़े और दोबारा से जो है वो चाय इन्जॉय की जाएगी तो बस मैंने झटपट से जो पकौड़े थे हम लोगों ने वो फिर साथ बना लिए साथ जो दिन का लेफ्ट ओवर खाना था वो भी मैंने साथ ही उनको सर्व कर दिया और खूब सारी फिर बातें हम लोगों ने की बहुत मज़ा आया हम परदेसियों की यही जिंदगी है छोटी छोटी खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हैं और यहाँ पे अगर अपना कोई पाकिस्तानी मिल जाता है तो बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स के जाने के बाद भी मैंने जल्दी से सारा किचन किचनटा सारे बर्तन धोए और हुन को सुलाया और अभी अभी वॉइस ओवर की आपके साथ आज की वीडियो भी शेयर की जाए तो बस यहाँ पे मैं चाहूंगी आप सबसे इजाजत अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर दिया करें अल्लाह हाफिज़ टेक केयर फी अमानी